إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ولا ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم अलहमदिल्ला الحمد لله आज 15 नवंबर 2020 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 54 में हम इनशा तूर आमरान की आयत नंबर 119 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे इनशा त पिछली दफ़ा एक सौ अट्ठारह नंबर आयत इस बात के ऊपर कंक्लूड हुई थी कि अय मुसलमानों ये जो तुम्हारे अंदर मुनाफिकीन छुपे हुए हैं जो दरअसल यहूदी हैं और इस्लाम के दबदबे की वजह से वो दब कर कलमा गो तो हो चुके हैं लेकिन अंदर से वो चूँकि काफ़िर हैं लिहाजा मुसलमानों का बुग्ज़ उनके दिल के अंदर मौजूद है और वह कोई मौका नहीं जाने देते कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएँ और मुसलमानों कोई शाया नहीं है कि उनके साथ दोस्ती गांठे और फिर अल्लाह तौ ने यह भी फ़रमाया कि उनकी जो गुफ्तगु है उससे तुम्हें अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि वो किस कदर दुश्मनी तुमसे रखते हैं और जो दिल के अंदर छुपाए बैठे हैं वो उससे बढ़ कर है जिसका इजहार वो ज़ुबान से करते हैं ये आयत कंक्लूड हुई थी वही टॉपिक आगे चल रहा है अगली दो आयात के अंदर आउदबिल्ल ही मिन शौनम बसमिल्लर हा आउ तुम ओला तो हिब्बू नुम ओलाबू न कुम तुम तो इतने सादा लो हो कि मोहब्बत करते हो उनसे और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते व तो मिनुन बिल किताबी कुल्ली और तुम्हारा हाल यह है कि तुम सारी किताबों पर ईमान रखते हो तमाम पैगम्बरों को मानते हो ला नफ़र्र कबीना अहदिम रसुली पैगम्बरों में ईमान लाने में किसी में फ़र्क नहीं करते हो तुम्हारे नज़दीक अलैहिस्सलाम का इनकारी भी वैसा ही काफिर है जिस तरह के मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंकारी वसल्लम। तुम्हारे नज़दीक ईसा इब्ने मरियम का कुफर करने वाला वैसा ही है जिस तरह के कोई शख्स हमारे महबूब सल्ला वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दे इसी तरीके से उन पर नाजिल होने वाली वही अगरचे टेम्पर्ड फॉर्म में है तहरीफ शुदा है लेकिन इसके बावजूद ये हमारा अकीदा है कि उन पर जो किताबें नाजिल हुई थी वो अल्लाह की जानिब से थी और वह अपने अपने ज़माने में वो हदायत की रोशन निशानियाँ थी अल्लाह की तरफ से जिस तरह के अब कुरान है ओल्ड टेस्टमेंट हो न्यू टेस्टमेंट हो या ये फाइनल टेस्टमेंट कुरान ये सब अल्लाह की तरफ से तो तुम तो उनकी किताबों को उनके पैगंबरों को भी मानते हो जबकि वो ना तुम्हारी किताब को मानते हैं ना तुम्हारे पैगंबर को वज़ा लक़ूकुम आलू आमन्ना जब तुमसे मिलते हैं ना तो वो कहते हैं हम ही मान लाते हैं ऐसी कोई बात नहीं आपको गलत फहमी हुई है हम आपके साथ हैं आपने हमारी बात से गलत तासुर लिया है बदगुमानी नहीं करनी चाहिए तो इस तरह की तुम्हें ज़ुबान के ज़रिए वो सेटिस्फेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे वलऊ अलई कुमानना मिला मिनल गई जबकि वो अलग जब होते हैं ना तो इतना गु़स्सा करते हैं कि अपनी उंगलियाँ जो हैं अपने दांतों में चबाते हैं ये गु़स्से के इजहार के लिए ये चीज़ अरब में इस्तेमाल की जाती थी और ये उस बेबस शख्स का गुस्सा होता है जो अपना गुस्सा निकाल ना सकता हो ज़ाहिर है कि कामिलईमान मोमिन के सामने ये चंद मुनाफ़ी जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे वो किस तरीके से अहल ईमान का मुकाबला कर सकते थे अंदर वो कोड़ते रहते थे कि इनको हम डायरेक्टली सामने आके जो है वो कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते और दिल के अंदर नफरत भी रखते थे तो इसका एंड रिजल्ट यह कि वो जब अलग बैठते थे तो उंगलियां यू करके चबाते थे गुस्से से कि कभी हमें मौका मिले इनको हम नहीं छोड़ेंगे तो उसका जवाब भी अब तुर्की ब तुर्की दिया जा रहा है कुल मुंह कुम नबीन से फरमाओ मर जाओ तुम अपने गुस्से के अंदर क्या जबरदस्त अंदाज है तुम इसी गम और गुस्से के अंदर घुल घुल के मर जाओ इसी हसद की आग के अंदर कि ये पैगंबर जो है वो बनु इस्माइल में क्यों आ गया और बनी इसराइल में क्यों नहीं आया इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला जानता है सीनों में छुपे हुए राजों को भी कोई शख्स सामने जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले, लेकिन अल्लाह ताला को ये पता है कि ये एक्टर है या वाकई ये ईमान वाला है इन तमसस कुम हासाना तुम अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो इन्हें बड़ी बुरी लगती है किसी जंग के मौका पर तुम्हें कोई कामयाबी हासिल हुई तो ये बड़ा कुड़ते हैं पस मंजर में गजब बदर हो चुकी है ये उसके बाद नाजिल हुई है ये यहूदी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह के नहाते मुसलमान काफरों के इतने बड़े लश्कर जर्रार के मुकाबले पर जो हथियारों से लेस था कामयाबी हासिल कर लेंगे उस वक्त ही उनको समझ आना चाहिए था कि अल्लाह की गायबी तईद है अपने महबूब सल्हुस वसम के साथ और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए जो कि जहिर है कि अल्लाह तमान को भी आजमाना होता है तो ये बड़ी खुशियां मनाते हैं तुम्हारे दुश्मनों को कोई फायदा पहुंचे या तुम्हें दुश्मनों से कोई तकलीफ पहुंचे या कोई जेनी टेंशन पहुंचे यह बड़े खुश होते हैं कि इनको तकलीफ आई है वह इं तस्बिरू अब तुम्हारी रविश क्या होनी चाहिए कि अगर तुम सबर की रविश इख्तियार करोगे वह और अल्लाह का डर और तकवा इख्तियार करोगे ला या गुर्रकुम कई तो कोई चीज भी इनकी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी इनका कोई फरेब कोई मकर कोई चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी अगर तुम सब्र करोगे और अल्लाह से डरते रहोगे अल्लाह की गैबी मदद तुम्हारे साथ होगी इन बिमा यामलून मुहीत बेशक अल्लाह ताला तहता किए हुए है जो वो अमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला की नजर में है उनके अमाल वो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत से बाहर नहीं निकल सकते यहां पर सूर्य आल इमरान की आयत नंबर एक सौ बीस के ऊपर यह टॉपिक कंप्लीट हुआ अब मुसलसल साठ आयात आयत नंबर वन ट्वेंटी वन से लेकर वन एटी तक मुसलसल छः रुकू साठ आयात वो गजब अहद से मुताक है आप ये कह सकते हैं आज की डेट में कि गजब अहद की कमेंट्री है अगरचे ये आयात गजब उहद के बाद नाजिल हुई हैं लेकिन ये आयात गजब अहद में जो मुसलमानों से मिसहैंडलिंग हुई जिसकी वजह से वाज़ फतः जो है वो शिक्स में बदल गई मुसलमानों ने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसम की हुक्म उदूली की वो सारे के सारे मामलों को अल्लाह ताला ने इसमें में एड्रेस किया है और मुस्तकबिल का अमल भी बता दिया है क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहा था कि मैंने इस मुख्तर सी जमात से रोमन और पर्शियन अम्पायरस को उलटवाना है अगर ये लोकल इस तरह की जंगों में इस तरह का डिसिप्लिन लूज़ करेंगे तो वक्त की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ ये कैसे टकरा सकते हैं अगर इनका डिसिप्लिन कामिल नहीं होगा तो ये जो अल इमरान में गजब ओहद की लाइव कमेंट्री किसी और जंग के बारे में इस तरह की कमेंट्री नहीं आई कि तुमने ये किया तुमने ये किया सवाए एक आप कह सकते हैं गज़ब तबूक के मौका पर चूँकि वो आप इस्लाम की आखिरी जंग थी उसके बाद तो आप वफात पा गए जंग हो नहीं सकी ये जो डिटेल मकाम है और किसी जंग के लिए नहीं आया गजवा बदर का भी हल्का सा जिक्र है अनफ़ाल के अंदर गजब हुनाइन का सूर्य तोबा के अंदर अंफाल के अंदर थोड़ा बहुत जिक्र है गजब अहज़ाब जिसे हम गजब कहते हैं उसका सूरत अलजाब के अंदर जिक्र मौजूद है लेकिन जिस शान के साथ सूर्यमरान में ये मुसलसल साठ आयात के अंदर जितने सख्त अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है उससे आपको यह पता चल जाएगा कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और यह है खुदा का तारुफ कि अल्लाह ताला अपने दीन के गलबे के अतबार से किसी की भी गलती को सरफे नज़र करने के लिए तैयार नहीं है मुआफ़ कर देगा सरफे नज़र नहीं करेगा पहले डांट पिलाई तुमने यह किया यह किया यह किया इसलिए तुम्हारे साथ यह हुआ अब एहतियात करना जब तक अब डांट नहीं पिलाएंगे किसी की गलती हाईलाइट नहीं करेंगे वो अपनी इसलाह कैसे कर सकता है मीठी मीठी बातों से तो इस नहीं होती है जब तक गलती हाईलाइट ना की जाए तो इसमें गजब अहद की लाइव कमेंट्री आएगी इस एतबार से कि गजब अहद के बाद अल्लाह तला ने कमेंट्री की उसकी वजह यह है कि नबील इस्लाम तो यह बिशारत दे चुके थे कि अल्लाह तला ने इस जंग में भी हमें फतह हमारा मुकद्दर करनी है लेकिन एंड रिजल्ट यह हुआ कि बुरे तरीके से मुसलमानों को शिकस्त हुई अगरचे बीच में फतह हो गई थी तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये नबी ने कोई झूठा वादा तुमसे नहीं किया हमने तो फतह दे दी थी जिस तरह अपने पैगंबर के साथ वादा किया था तुमने जो है गलती की जिसका खुमियाज़ा तुम्हें भुगतना पड़ा और इसमें मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं जो अल्लाह ताला ने मुझ पे शरा सदर किया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुसलमानों में मौजूद हों इससे बड़ी तो मुसलमानों की कोई सादत नहीं है ना इसके बावजूद अगर मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह ने इस चीज की परवाह नहीं करनी कि इनमें अल्लाह का नबी मौजूद है उस गलती का उस नाफरमानी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा हती कि खुद नबी सल्हुसम के भी दांत शहीद हो गए आपकी तो कोई गलती नहीं थी और आज जबकि अल्लाह के, अल्ला के नबी हमें मौजूद नहीं है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलानिया नाफरमानियां करें हमें उन दुआओं का वो हिस्सा भी मुयसर नहीं है जो साहबा को डायरेक्ट मुयसर था आज अगर हम अल्लाह के नबी के खिलाफ चलते हैं तो मुझे बताएं अल्लाह ताला ऐसी की तैसी नहीं फेरेगा हमारी जबकि दुनिया में अल्लाह के नबी मौजूद थे और उन कामिल उन ने अल्लाह के नबी नबीम की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की भी परवानी की उस फतः को शिकस्त में बदल दिया यह है अल्लाह ताला का रूल जो मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह के साथ किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है नबी के साथ रिश्तेदारी आपकी हो सकती है मेरी हो सकती है अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है वो तो लम यलिद वलम यूलद है और वह गनी है बेपरवाह है उसे किसी की कोई परवाह नहीं है यह बड़ा क्रिटिकल इशू है तो यह ओहद की ये कमेंट्री एक, एक कुरानी हकीम में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस वक्त के हालातों वाकत को समझने के लिए और फिर इसकी रोशनी में आज के मुसलमानों को भी देखने की जरूरत है कि वो कहां पे खड़े हैं इसका पस मंजर यह है कि आपको पता है कि दो हिजरी के अंदर गजबे बदर हुई थी जो सूरतुल्फ़ाल में डिटेल से आएगा कि अल्लाह ने अपने नबी के साथ वादा किया था कि दो लश्करों में से एक लश्कर तुम्हें मैं दे दूँगा एक अबू सुफियान का लश्कर था जो कि शाम से तजारत करने के बाद मक्के वापस आ रहा था और ज़ाहिर है कि मक्के वालों ने मुसलमानों की जदादें वहाँ पर कब्ज़ा कर ली थी उसके बदले में मुसलमानों को इजाज़त दी गई कि अब इनका माल भी तुम लूट सकते हो बदले के तौर पर पे, पेसास इसलिए मुसलमान जो हैं वो जब एक नहते लश्कर को लूटने के लिए घर से निकले तो ज़ाहिर है जिसके हाथ में कोई डंडा था कोई किसी के हाथ में कोई छड़ी थी वो ले कर निकला तलवारों से तो निकले नहीं थे क्योंकि वो लश्कर तो एक तजारती काफ़िला था जिसके अंदर तलवारें वगैरह तो नहीं होती थी लेकिन रास्ते में अल्लाह तला ने फ़ैसला कर दिया कि भाई ये तो हम अब तुम्हें जो है वो कहीं और तुम्हारी टक्कर करवाएंगे और हक़ का हक होना ज़ाहिर करेंगे अबू सुफियान को ये जब बात पता चल गई कि इस तरह मुसलमान हमारे लश्कर को लूट सकते हैं तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और पैरल में उसने एक कासद भिजवा दिया मक्का शरीफ के तुम्हारे तजारती काफ़िले को ख़तरा है क्योंकि सारी रोज़ी रोटी उसी के साथ जुड़ी हुई थी उनकी वो सारे अपना जो सामान देते थे वो बेच के शाम में और उससे वो पैसे या उसके बॉटर सिस्टम था उसके मुतबाद और चीज़ें लेके आते थे तो उन्होंने अपने काफ़िले के बचाव के लिए पूरी तैयारी करके एक हज़ार का लश्कर कील कांटे से लेस असले से लेस ले आए और यहाँ मुसलमान नहाते थे अब मुसलमानों के सामने आफ़र थी कुरान ने कहा कि तुम्हारा तो दिल था कि तुम तजारती काफ़िले को लूटते लेकिन अल्लाह तला इन 313 नहाते मुसलमानों को टकरवाना चाहता था उन एक हज़ार असरे से लेस लोगों के साथ ताकि अल्लाह ताला इसे से यौमान हक़ और बातिल की जीत का जो फ़र्क है जो हक और बातिल का फैसला कर दे कि हक जो है वो उसकी जीत है और बातिल की शिकस्त है ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही इतने गए गुजरे थे कि वो बेचारे एक तलवार भी घर से नहीं ला सकते थे ये जो हमारा प्रेजेंट किया जाता है ना कि वो शायद को बहुत गरीब थे वो पीछे रीज़न ये थी कि वो जो तलवारें उनके पास नहीं थी क्योंकि वो इस निये से तो गए नहीं थे तो गैबी मदद आई और अल्लाह तला ने फरिश्तों के ज़रिए उनके लश्कर को मिलिया मेट किया अब इस चीज़ का गुस्सा उनके अंदर मौजूद था क्योंकि अरब के लोग इतने जंग और क्रैश के लोग जंग और फिर उनकी एक इज़्ज़त पूरे अरब में उनका काफ़िला कोई लूटता नहीं था कि ये काबे के मुतवली हैं गद्दी नशीन हैं खानका नशीन हैं और मुख्तलिफ कबाइल के बुत भी खान क़ाबे में रखे होते थे उनको ये भी डर होता था कि अगर हमने इनका काफ़िला लूटा तो ये हमारे बुत उठा के हमारे खुदाओं को बुज़ुर्गान दीन को उठा के बाहर फेंक देंगे तो हमारे बुज़ुर्गों की ये तोहन कर देंगे तो वो इस डर से काफ़िले नहीं थे कुरेश के लूटे जाते यानी ये शही ख़ानदान था पूरे अरब के अंदर अब उस शाही खानदान की इस तरह मिट्टी पलीद हो मुसलमानों के हाथों जो खुद भी कुरेश में से थे मुसलमान भी जा रहे कुरेश में से थे महाजरीन तो उस शिकस का बदला वो लेना चाहते थे सत्तर बड़े बड़े सरदार उनके कत्ल हो गए थे जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अबू जहल भी मारा गया था बदर के अंदर मक्के का कोई घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें कोई मैयत ना हो एक साल उन्होंने पूरी तैयारी की कि हमने ये बदलाव उतारना है तीन हिजरी में फिर वो बदलाव उतारने के लिए पूरी तैयारी के साथ तीन हजार का लश्कर लेके आए वो और इस दफा वो आते हुए औरतों और बच्चों को भी साथ लेके आए कि अगर हम भागने लगे तो हमें इस चीज का डर होगा कि हमारे बच्चे और हमारी औरतें मुसलमानों के हाथ लग जाएंगी तो हमें इस गैरत की वजह से जान तो हम दे देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और इस दफ़ा इनके लश्कर में हज़रत खालिद अबिन वलीद भी शामिल थे जो गजब बदर में शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि अबू जाल ने उन्हें पीछे मक्के के अंदर सरदार के नायब के तौर पर छोड़ा था और अबू जाल चूँकि अब मारा जा चुका था इस दफ़ा लश्कर की सरबराई जो है वो अबू सुफियान के ज़िम्मे आई अब यह अल्लाह का करना है कि बाद में हज़रत अबू सुफियान ने भी हज़रत खालिदबिन वलीद ने भी दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया रदील्लम तो लेकिन उस वक्त तक जहर के इस्लाम दुश्मनी उनमें मौजूद थी बल्कि बदर के अंदर ही सिर्फ अबू जाल आया बाकी जितने जंगें मश्रकिन अरब के साथ मुसलमानों की हुई हैं एक गजब हुन को छोड़ दें आप बाकी सब में लीडर जो है वो कुफार की तरफ से अबू सुफियान ही था चाहे वो ओहद हो चाहे खंदक हो या सुलहुदेबिया वाला इशू हो तो अब वो बदला लेने के लिए आ रहे थे अब मुसलमानों में यहाँ पे मशवरा शुरू हो गया अब नबी अलैहि वसम की जाती ख्वाहिश यही थी कि हमें मदीने के अंदर रह के ना मदीने का दिफा करना चाहिए जिस तरह के बाद में गज़ब खंदा के मौका पर किया चूँकि मिसाक मदीना भी यहूदियों से हुआ था तो हमें एक अददी बरतरी भी हासिल हो जाएगी कि मदीने पर अगर मुशरकिन अरब ने हमला किया तो यहूदी भी हमारे साथ मिलकर हमारा साथ देंगे क्योंकि वो माहे के अंदर तो बने हुए थे और अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमें ये मदद हासिल नहीं होगी लेकिन जो लोग गज़ बदर के बाद अंसार मदीना नौजवान लड़के मुसलमान हुए थे वो तो अभी उस शहादत के जज्बे के साथ सरशार थे वो कहते हैं जी हमने क्यों अंदर रहना है हमने तो बाहर निकल के लड़ेंगे ऐसी की तहसीन काफरों की हम तो जान देने के लिए तैयार हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत राय की वजह से यही फ़ैसला किया कि ठीक है अब अगर ये अक्सरीत का ही फैसला है तो ठीक है मैं इसी को मानता हूँ इस्लाम में यानी इस एतबार से हलाल के दायरे में तो जमहूरीत ही देखी जाएगी हलाल के दायरे में हराम के मामले में देखा जाएगा अल्लाह का हुक्म क्या है तो अब ये दोनों हलाल थे या मक्के के मदीने के अंदर है कि दिफा करते या बाहर तो अब अक्सरीत की राय थी बाहर तो आपने फरमाया ठीक है बहरल ये अब पहला मौका था कि नबी नबीस्म अपने घर से जीरा पहन के निकले तो यानी साहबा को ही पता चल गया कि यह मामला कोई ज़्यादा सख्त होने वाला है आपने यानी खुद भी पहना वो जो सर पे वो लोहे की टोपी पहनी जाती है और फिर इस्लाम को सही बुखारी में आता है ख्वाब भी दिखा दिया गया था कि आपके सामने एक गाय जबह हो रही है जिसका काफ़ी ज़्यादा खून निकला है तो आप को ये पता चल गया था कि मेरे काफ़ी सारे इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह की तकदीर को तो कोई नहीं टाल सकता ना तो नबीम बाहर निकले अब आप, आप बाहर जो है मोर्चों में मुख्तलिफ जगह पर मुख्त लोगों की ड्यूटियाँ लगा रहे थे तो अब यहाँ से ये वो उस वाक़े का आगाज़ सूर आलरान की आयत नंबर वन टवेंटी वन से होगा कि आप मोर्चों के ऊपर ड्यूटी लगा रहे थे कि फ़लाने इस जगह रहना है फ़लाने इस जगह रहना है और इस तरीके से इस मामले को ले चलना है सही बुखारी में डिटेल आती है कुरान में भी उसका ज़िक्र आ जाएगा आगे चल के कि एक क्रिटिकल दर्रा था पहाड़ी चोटी थी जिसके ऊपर आपने पचास तीर अंदाज़ जो है ना वो मुकर कर दिए जिनके सरदार थे अब्दुल्ला बिन जुबैर और रदील्ला त सही बुखारी में आता है नबी इस्लाम ने उन पचास लोगों को ये वसीयत की थी कि तुम अगर ये देखो कि चील कवे भी हमारी लाशों की बोटियाँ उठा के लेके जा रहे हैं तब भी तुमने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूँ अब इससे ज़्यादा तो कोई नहीं समझा सकता ना किसी को कि जो मर्जी हो जाए तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना आखिरी यही हो सकता था ना कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाती और मुसलमानों की मदद के लिए वो दर्रा छोड़ते आप फरमाए मैं तुमने तब भी नहीं छोड़ना लेकिन वही हुआ कि जब जंग में मुसलमानों का पड़ा भारी हुआ तो काफिर मैदान जंग छोड़ के भाग गए और मुसलमान जो है वो उनका पीछा करना शुरू हो गया मालेगनी में जमा होना शुरू हो गया कुरान में भी इसका जिक्र आएगा बुखारी में डिटेल के साथ मौजूद है तो वो जो पचास तीन अंदाज़ थे ना उन्होंने वो पहाड़ी जो चोटी थी वो आज भी आप गज़बा उहद के शहदा का जो कब्रस्तान है उसके पास वो आज भी दर्रा मौजूद है वो पहाड़ी चोटी जो है छोटी सी उस पर मैं ख़ुद भी चढ़ा हूँ आप चढ़ सकते हैं इतनी ऊँची नहीं है वो उन्होंने छोड़ दिया अगरचे जो उनके लीडर थे अब्दुल्ल अबन जुबैर वो चीखते रहे कि अल्लाह के नबी ने मना किया था सिर्फ़ पंद्रह बंदे उसके साथ रहे बाकी पैंतीस लोग जो है मालिक ननीमत जमा करना शुरू हो गए और उन्होंने ये इजतहाद किया कि ये जो हजू ने फरमाया था तो उस सूरत में था जब मुसलमानों को शिकस्त होती है अब तो हमें फतह हो गई है यानी अपनी तरफ से इज्तहा कर लिया हालांकि हजू ने फरमाया था मेरे हुक्म का इंतजार करना है इससे पता चला कि इजतहाद अगर साहबा भी करें और वह किताबों सुनने से टकराए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है तो बाबे अपने बोझ संभाल के रखो तो बुजुर्ग भी बोझे संभाल के रखो अपने अच्छा अब वही हुआ खालिद इबन वलीद की उकाबी नजरों ने यह देख लिया चूँकि वो थे कैवलरी के सरदार यानी एक तो पैदल फौज होती है ना एक घोड़ों वाली फौज वो थे घोड़ों वाली फौज के ऊपर और यहां से ये सारे इनकी फौज जब भागे जा रही थी कि भाई हम तो शिकस्त खा गए उन्होंने जब देखा ना कि उसने दर्रा छोड़ दिया है और उनको ये पता था कि इस पहाड़ी के पिछली साइड के ऊपर रास्ता है पीछे से ला के हम इन पर हमला करें तो मुसलमानों की फौज को हम सैंडविच बना देंगे पीछे इस तरफ से कैवलरी का हमला हो जाएगा यानी घोड़ों के ऊपर इधर से ऑलरेडी हमारी फौज मौजूद है जो भाग रही है तो इनको हम जो है ना वो दोनों फ़ौजों के दरमियान इनको पीस देंगे बस वही हुआ खालिब ने वलीद ने आके ना उस पहाड़ी के पीछे से हमला किया अब ज़ाहिर है कि मुसलमान तो अभी वो 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 तो समान समेटे थे काफरों का मालिक गनीमत वो तो रेडी भी नहीं थे पीछे से हमला हो गया और इसमें ऐसी भगदड़ मची कि सही बुखारी में आता है कि बाद साहबा भी साहबा के हाथों कतल हो गए उस जिसमें फ्रेंडली फायरिंग के अंदर जिसमें हजरत बिन अब्दुल्ला के वालिद भी शहीद हो गए थे उनको मुसलमानों ने ही मार दिया ऐसी भगदड़ मची और इसका इफेक्ट हुआ कि हजरत हमजा भी शहीद हो गए जो कि आर्मी चीफ थे मुसलमानों के फिर उनकी लाश का मसला किया गया हिंद जो अबू सुफियान की बीवी थी चूंकि गजबे बदर में अबू सुफियान कि बीवी का भाई और उसका बाप रतबा बिन रबिया और भाई उसका वलीद बिन उतबा ये सब लोग और चचा ये सब लोग मरे हुए थे ये सब कुछ जनाब उमर सीरीज के अंदर उन्होंने फिल्माया आपको जनाब वो गजबे ओहद के मौके पे उन्होंने पहुंचा दिया उर्दू डबिंग के साथ भी हमारी वेबसाइट एल के ऊपर रखी हुई है आप डाउनलोड करके उससे जरूर देखें तो उसने वो कलेजा चबाया और मुसला किया लाश का और मुसलमानों का जरा एक तकलीफ पहुंची मदीने का कोई घर नहीं था जिसमें कोई मैयत ना हो इतने मुसलमान शहीद हो गए अंसार मदीना मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए कि जी किधर बदर की कामयाबी और किधर वो के अंदर इतनी शिकस्त कि सबसे से बढ़ कर के अल्लाह के इस्लाम की भी शहादत की खबर मशहूर हो गई कुरान में उसका भी ज़िक्र आएगा हती कि कई साहबों ने तलवारें फेंक दी कि अब तो हज़ूरी फ़ौत हो गए अब हमने किसके लिए लड़ना है तो अल्लाह ने फरमाया कि भाई नबी तो पहले भी गुज़रे हैं अगर नबीसलाम फ़ौत हो जाए या जंग में कत्ल कर दिए जाएँ तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे ऐसा तो नहीं है अल्लाह ताला तो ज़िंदा है और उसके दीन को लेके चलना है अल्लाह ताला का दीन नबियों का मोहताज तो नहीं है नबी तो आए और चले गए दीन तो हमेशा रहना है तो नबी ईसलाम के चार मुबारक मुबारकदान ये शहीद हो गए क्योंकि आप पे ऐसा हमला हुआ कि वो आपका अपना जो खौद ऊपर वो लोहे की टोपी पहनी थी उसके किंगरे जो है ना यूँ अंदर गाल से अंदर चले गए ये दाँत टूट गए और इतना खून बहा कि साहबा को लगा कि भाई हज़ू तो फौत हो गए फिर बुहारी मुस्लिम में आता है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा नेज़ूर का ज़ख़म धोया और हज़रत अली ढाल को उल्टा करके उसमें पानी ले के आए हज़रत फ़ातिमा ने ज़ख़म धोया फिर हज़र फ़ातिमा ने सलाम्ल जब ख़ून नहीं रुकता था तो उन्होंने एक कपड़ा जला के कॉटन का उसकी राख रखी उससे खून रुका फिर आस्ता आस्ता यानी मामला सीधे हुए इसी दौरान हज़रतलह जो वो अपने हाथों के ऊपर वो तीर रोकते रहे जो नबीम की तरफ आ रहे थे उनके हाथ जो है वो एक शल हो गया पूरी ज़िंदगी उनका एक हाथ यानी उनका नहीं था उसी में ही हुआ और जन्नत कमा ली उन्होंने इसी तरीके से कई अंसारी सहाबा जो हैं वो हज़ूर को बचाते बचाते शहीद हो गए यके बाद दिगरे और फिर इसी दौरान इस्लाम ने और चाँद साहब ने जो आपके साथ थे हज़रत अबूबकर तो नहीं थे हज़रतमान तो उस भगदड़ में जो है वो फितने का शिकार हो गए फितना पंजाबी वाला नहीं अरबी वाला आजमाइश का हज़रत अबूबकर उमर और अली और बाकी चंद सीनियर साहबा बारह के करीब जो थे हज़ूर के साथ थे तो फिर आप पहाड़ की तरफ चढ़ गए और उधर खालिद में वलीद तो कहने लगा कि भई अब काम इनका ख़त्म ही कर जाए ताकि मसला ख़त्म हो जाए अबूसुफियान ने कहा कि नहीं ये पहाड़ के ऊपर है हम अगर इनका पीछा करेंगे ये ऊपर से सिर्फ पत्थर भी मारना शुरू करें तो हमें नुकसान हो सकता है हमने बदला लेना था ले लिया तो फिर वो वापस चले गए फिर हज़ू इस्लाम ने सही बुखारी में आता है बाज़ साहब को पीछे भेजा कि तुमने जाके अब इनका ताकुब करना है ऐसा ना हो ये फिर पलट के वापस आ जाए तो और ये भी एक बहादरी की लामत थी फिर वो पीछा करने वाले अहब में बड़े बड़े साहब हज़रत अली और बाकी लोग थे जो पीछे तक गए उनके लिए भी कुरान में फिर अल्लाह ताली की तरफ से आया कि ये लोग थे जिन्होंने हज़ूर का साथ दिया और काफ़रों पर रोब डाल दिया फिर वो वापस मुड़ के उन्होंने देखा नहीं है और बरल इसमें कई गलतियाँ हुई जिसका खुमियाज़ा फिर मुसलमानों को भुगतना पड़ा हती कि जो हज़ूर इस्लाम के दांत शहीद हुए उस वक्त इस्लाम की मुबारक ज़ुबान से भी एक बात निकली कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हदायत दे सकता है जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया तो अल्लाह ताली ने सबसे पहले जब गिरफ्त फरमाई तो अपने महबूब के ऊपर फरमाई लई साल का मिनल अम्रशी ए नबी आपको कोई इख्तियार नहीं है किसी मामले में अल्लाह चाहे तो इनको माफ़ भी कर दे और वही खालिदबिन वलीद जिसकी वजह से हज़ूर के दां शहीद हुए उसी मुबारक जुबान से खालदन वलीद के लिए सैफुल्ला का लकब मिला और वो मुसलमान भी हो गए तो ये सारा मैंने एक ब्लू प्रिंट आपके सामने रख दिया है अब आप ये आयात हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जितनी बातें बताई आलमोस्ट इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है बहाल इसमें एक बहुत बड़ा और वाक्य भी हुआ था कि अब्दुल्ल अबन उबई जो मुनाफिक था वो अपने साथ लश्कर लेके अलग हो गया बीच में से मुसलमान यानी जो उनमें से आप समझ लें कि उनकी एक एतबार से कमरी टूट गई ठीक है कि वो अपने लोगों को लेके साइड पे हो गया ठीक है तो उनका जिक्र भी अल्लाह तला ने इशारा तन इसमें किया है उन मुनाफिक का जिन्होंने मुसलमान की जमीयत मुसलमानों की जमीयत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की बहरल अल्लाह तला ने मुसलमानों को ओवरऑल एक फ़तः दी और इस एतबार से कि अपना वादा पूरा किया लेकिन बाद में अपनी गलती की वजह से उनको एक आजमाइश से भी गुज़रना पड़ा तो ये बड़ा ज़रूरी था कि अल्लाह ताला इसके ऊपर मुसलमानों की दिलजोई भी करता ग़लती को हाई लाइट करता लेकिन ज़ाहिर है कि तमाम दिल दुखे हुए थे और ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने बदर की फ़तह देखी थी अहद की शिक्ष से कई लोगों के ईमान भी मुतजल हो गए होंगे तो इस एतबार से जरूरी था कि अल्लाह ताला इन सारी चीजों को एड्रेस करता तो अब्दुल्ला बिन उबई का वो जो तीन सौ का लश्कर लेके लादा हुआ था उसका जिक्र भी इसके अंदर मौजूद है पीछे फिर सात सौ के करीब मुसलमान रह गए अब ये जनाब वो स्टार्ट हो रही है आयात सुर इमरान आयत नंबर वन ट्वेंटी वन व من बिन अहली का तुब उलमी للقتال. और अ महबूब याद करो वह वक्त जब सुबह के वक्त आप सलाम रुखसत हुए अपने घर से और आपके साहब भी मैदान अहद के लिए और आप मोर्चों पर जंग के लिए सहाबा की ड्यूटियां लगा रहे थे यानी वो अब मैदान जंग की तैयारी है और नबी सलाम लोगों की ड्यूटियाँ असाइन कर रहे हैं तुमने यहाँ रहना है तुमने यहाँ रहना है वल्लाहु समी और नलीम और अल्लाह ताला सुनने वाला और यानी ये जो कुछ हो रहा था अल्लाह के सामने हो रहा था अल्लाह गाफिल नहीं था अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साहबा की इस कुरबानी को देख रहा था हम पोफानी मिन कुम तफशला जबकि इरादा किया तुम में से दो जमातों ने कि वह बुजदिली दिखाएं दो कबीले थे अंसार के बनु सलमा और बनु हारसा अनसार मदीना के थे जब अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने तीन सौ साथी लेके साइड पे हो गया तो इनके भी पाँव लड़खड़ा गए कि यार हमें लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए जाहिर जान तो सबको अजीज है तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत किया वाह और अल्लाह उनका मददगार था पुष्पना था वायन फल यवक्मनून और अल्लाह ही पर तोल करना चाहिए अल ईमान को सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है कि जाबे बिन अब्दुल्ला ये आयात पढ़ा करते थे और ये आयत नंबर एक सौ बाईस सूर्यमरान की और कहा करते थे ये हमारे अनसार के दो कबीलों का जिक्र हुआ है बनु सलमा और बनु हारसा का और वो कहते हैं मुझे ये जिक्र पसंद है अगरचे इसमें हमारा ऐब बयान हुआ है कि हमने बुजदली दिखाई और फिर अल्लाह ने हमें मज़बूत किया लेकिन कहते हैं इसमें जो अल्लाह ने फरमा दिया ना वल्लाहु वली अल्लाह उन दोनों का पुष पना था उन दोनों कबीलों का तो ये अल्लाह की पुश पनाई हमारे पीछे होना ये इतनी महबूब है कि हम अपनी उस बुजदली को भूल जाते हैं हमें खुशी महसूस होती है कि अल्लाह हमारा पुष पना तो वो फखरिया तौर पर बताया करते थे कि ये हमारे कबीले वकुम तुम अजिल्ला और बेशक अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा चुका है इससे पहले गज़वे बदर के मौका पर जबकि तुम बड़े कमज़ोर थे ये अजल्लाह अरबी का लफ्ज़ है ये पंजाबी वाला या उर्दू वाला जलील नहीं है इससे मुराद है कमज़ोर फतक लकुम तश्कर पस डरते रहा करो अल्लाह से ताकि तुम उसका शिक्र अदा कर सको

क्या तुम्हें यह काफी नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा तीन हजार फरिश्तों के जरिए अच्छा बाज लोगों का यह ख्याल है कि यह जो फरिश्तों की मदद का जिक्र यहां पर आ रहा है इससे मुराद गजब बदर है और बाज़ मुफसरीन कहते हैं नहीं ये गजब ओहद का ही जिक्र है मेरा भी ख्याल यही है कि गजब ओहद की तरफ ही इसमें इशारा है क्योंकि तीन हज़ार का लश्कर आया था काफरों की तरफ से और मुसलमान थे एक हज़ार उसमें से भी तीन सौ निकल गए अब्दुल अबिनबई के साथ सात सौ पीछे बच गए तो तीन हजार के मुकाबले पर अल्लाह ने अपने नबी के साथ मदद की कि जी मैं तीन हज़ार फरिश्ते नाजिल फरमाऊंगा अहले ईमान को खुशखबरी सुना दो बला इन तस्मिर क्यों नहीं अगर तुम सबर करोगे व तक और तकवे की रविश इख्तियार करोगे वो कुम मिलफोर हिम हादा युम दिद कुम रब्बुक बेखम सतिन आलाफिमला मुसविमीन अगर तुम सबर करो और तकवे की रविश इख्तियार करो तो कुफार पर तेज़ी से उसी वक्त फौरी ये फौरी का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये अरबी का लफ्ज है फौरिहिम फ़ौर अल्लाह ताला मदद फरमाएगा तुम्हारी पांच हज़ार फरिश्तों के ज़रिए से जो निशान वाले होंगे वो निशान जदा घोड़े जिस तरह अरब के अंदर एक बड़े समझे जाते थे ना कि ये ताकतवर घोड़े और जिनमें बड़े जमा मर्द बैठे होते थे तो उसकी मिसाल अल्लाह तला ने दी है लेकिन मुझे बताएं कि ये तीन हजार पांच हजार फरिश्ते भाई इंसानों को लटने के लिए तो एक फरिश्ता भी बहुत है तो ये सिर्फ मुसलमानों की तसली के लिए था कि भाई अगर तुम सात सौ रह गए हो ना और तीन सौ ने छोड़ दिया है तुम्हारा साथ और सामने तीन हजार है तो तीन हजार फरिश्ते नाजिल हो जाएंगे यानी इंसान बहरल इंसान ही है कि चलो उनके मुकाबले में तुम्हारी नफरी पूरी हो जाएगी काउंटिंग पूरी हो जाएगी और इसी बात का अल्लाह ने जिक्र कर दिया वमा जाल बुशरा और ये फरिश्ते जो उतारने वाली बशारत अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है ये इसलिए ताकि तुम्हारे दिल मुतम हो जाए इसके ऊपर वमन नसरु इल्ला मिन अजीजिल हकीम और मदद तो नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से जो गालिब है और हमत वाला है अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है वो तो कुन फयकून की शान रखता है कि वो फरिश्ते भेजें वो तो एक फरिश्ता भी ना भेजे तब भी उसके एक इशारे से ताया, काया कल पलट सकती है गजब खंदक के मौका पर सर्द हवाएं अल्लाह ने चला दी अल्लाह के लिए कोई मसला एक हवा चला दे तो सब कुछ ही उलट के रखते लियम कफर बितुम फलीबू खबीन ये मदद इसलिए थी कि ताकि काट दे एक हिस्सा काफरों से या जलील कर दे इनको पस वो ना काम और ना मुराद होकर लौट जाए अब जनाब पहली गिरफ्त इस्लाम के ऊपर अल्लाह की तरफ से नबी आपको कोई इख्तियार नहीं है किसी के मामले का अल्लाह चाहे तो इनकी तोबा कबूल कर ले या इन्हें अजाब दे जालिम तो यह है ही है वल्ला ही माफिल समावात ही मा अर्द और आसमान और जमीन की बादशाह तो अल्लाह की है यग फिर मै शाह व युदीब मै शाह वो जिसे चाहे बख्श दे जिसे चाहे अजाब दे गिरफ्त फरमा ले वह वफूर रहीम और अल्लाह तला बख्शने वाला मेहरबान है यह वही बात आ गई लई सलिनई आपको भी कोई इख्तियार नहीं है यह उसी तरफ इशारा है जो बुखारी और मुस्लिम में इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम बुखारी वो हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम के, के, के दांत शहीद हुए तो आपकी मुबारक ज़ुबान से ये बात निकली कि अल्लाह ऐसी कौम को हदायत कैसे देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया तो अल्लाह ने फरमाया ये बात आपने नहीं करनी और अल्लाह चाहे तो उनको हदायत भी दे सकता है और देख लें वही खालिद अबिन वलीद जिसकी वजह से नबीलाम के दांत शहीद हुए मुसलमानों की फतः शिकस्म में बदल गई उसी को अल्लाह तला ने दोबारा ना सिर्फ इस्लाम की दौलत से मालामाल किया बल्कि वो उस पेगन को यानी एक बाई बर्थ मुशरक को ऐसा ईमान दिया कि उसके जरिए फिर रोमन और पर्शियन अम्पायर तक उलटवा दी जंग कादस्य और यरमूग और इससे पहले जो छोटी बैटल फील्ड्स हैं उनके अंदर आप उनकी जरा यरमूग तो यानी आप समझ लें दिन ही हजरत खालदबिन वलीद का था कादसिया में वो शामिल नहीं थे लेकिन उससे पहले जो इराक़ फता हुआ है हीरा शहर फ़तह हुआ है आधा जो पर्शियन अम्पायर तो वो हज़रत खालिद ने अबरीद नहीं गिराई थी फिर चूँकि हज़रत अबू बकर की तरफ से उनको खाता आया था कि आपने रोमन अम्पायर की तरफ़ जाना है और अबू अबूबैदा ने जरा आ, इसी दौरान हज़रत अबू बकर फ़ौत हुए तो हज़रत उमर ने इनको हटा के हज़रत अबूबैदा को लगाया और ये बार उनके साथ इसस्टेंट के तौर पर थे तो ये अल्लाह की जनाब कुदरत है जिसे उठा के जहाँ से मर्जी उठा के जहाँ मर्जी फाइज कर दे तो अज़हर ने वलीद की पूरी ज़िंदगी जो है वो इस एतबार से कुर्बानियों से इबारत है मेरा अज़र ने वलीद पर क्लिप भी है डिटेल लाखों लोगों ने यूट्यूब पर देखा है हज़रत खालिदन वलीद सैफुल्ल आप लिखे तो वह क्लिप खुल जाएगा आज टॉपिक नहीं है मैं इसको यहाँ पर स्किप करता हूँ या यूहदीना आ मनु लाता रबा फा अब अचानक एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है सूद के हवाले से सूद के पीछे जो है ना सूदी जहनीत होती है माल के जरिए माल कमाने की एक है कारोबार के माल के जरिए कारोबार करें और उससे माल कमाएं वो बिल्कुल हलाल है उसमें किसी का इस्तेसाल नहीं होता बल्कि कई लोगों की रोजी रोटी खुल जाती है लेकिन दूसरा एहताली निज़ाम यह है कि आप कारोबार की मशक्कत उठाएं ना बल्कि गरीब लोगों को आप उधार दे दें सूद के ऊपर माल और फिर घर बैठे हुए उसमें से खाना शुरू कर दें यह है जो अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर करने वाला निज़ाम है और यह है हराम सूरत बकरा की आयत नंबर टू सेवेंटी नाइन इसका क्लाइमैक्स है जो हम कवर कर चुके हैं उसमें मैंने डिटेल सूद के ऊपर गुफ्तु की थी जिसे शौक है तो वो कुरान क्लास वो वाली देखे उसमें तो अल्लाह तरमाया था कि जो लोग इस वाज तमबीह के बावजूद भी सूदी काम नहीं छोड़ेंगे तो तैयार हो जाए अल्लाह और उसके रसूल का अलान जंग है उन लोगों के ख़िलाफ़ तो यहां पर भी चूंकि दुनिया के माल की मोहब्बत की वजह से वाज फ़तः शिक्स में बदल गई माल गनीमत जमा करने की वजह से तो बेसिकली ये उसकी तमहीद बांधी जा रही है कि ये जो माल की मोहब्बत है जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सूदी सिस्टम है ये इंसान को फिर यही दिन दिखाता है वक्तुल्ल और डर जाओ अल्लाह से तफली खून ताकि तुम फलाह पाओ ऐ ईमान वालो ना खाओ सूद दुगना चुगना करके और डर जाओ अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ वह तक नार्ला थी लिल काफरीन और डर जाओ उस आग से जो कि तैयार रखी गई है काफिरों के लिए काफिर से मुराद ये नहीं कि गैर मुस्लिम जो भी अल्लाह की ना करेगा नाफरमानी करेगा काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को वह वा अकी रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की इतात इख्तियार करो तोमून ताकि तुम पर रहम किया जाए क्या जबरदस्त आयत है अल्लाह और उसके रसूल की जो इतात करेगा उस पर रहम होगा और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उस पर रहम नहीं होगा सिंपल फार्मूला इला रू मिन रब और दौड़ो लपको मगफिरत अपने रब की तरफ से और जन्नत की तरफ जन्नत इन अर्द समा वल अर्द ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के फासले के बराबर है लिल ओद्दतम जो तैयार की गई है अल्लाह से डर जाने वालों के लिए अल्लाह से परहेजगारी वाला रिश्ता रखने वालों के लिए खौफ रखने वालों के लिए खशियत रखने वालों के लिए और उनकी निशानी भी बता दी क्या है अल्लादीनफिक रॉकबर रॉ ये परहेजगार लोग वो होंगे कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं चाहे उन पर खुशहाली हो या तंगदस्ती हो और खर्च करना सिर्फ माल का खर्च करना नहीं होता जान माल एफर्ट पुट करना हर लिहाज से वो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार होते हैं वलकाजमीन अलइज और वो गुस्से पे जब्त पाने वाले होते हैं वला आफीन और लोगों से दरगुजर की रविश इख्तियार करते हैं तो जाहिर ये लोगों से दरगुजर की रविश और लोगों को मुआफ़ी की रविश कौन इख्तियार कर सकता है जो सब्र करने वाला होगा इसी तो कहा गया कि इन अल्लाह मीन बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है महसिन के साथ एहसान की रविश इख्तियार करने वालों के साथ अल्लाह जानना मिनहुम आमीन यानी एहसान की रविश इख्तियार करने वाले नेकोकार दरअसल वो लोग हैं जिनके अंदर ये खूबी पाई जाएगी कि वो चाहे खुशहाल हों या तंग दस्त हर मामले में अल्लाह ताला के दीन की मदद के लिए खड़े होंगे जान माल इज़्ज़त आबरू की कुर्बानी देंगे और लोगों से मुआफ़ी वाली रविश इख्तियार करेंगे और गुस्से को पी जाने वाले होंगे والذين اذا فعلوا आलूफा او ظلموا अलफ और उनकी निशानी यह है कि अगर वो कहीं पर कोई बेहयाई का काम कर बैठे या अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे यानी कोई गुना उनसे सरजद हो जाए जकर फरूली जुनूब हिम तो वह फौरन अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं और अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार होते हैं जब कभी गलती हो कभी गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह की तरफ रुझू लाते हैं वो सूर्य हूद के एंड पे भी जाके आएगा ना कि गुनाह जब इंसान से हो जाता है तो उसके बाद जब इंसान नेकियां करता है तो वो गुनाहों को मिटा देती है तो अल्लाह के नेक बंदों की निशानी यहाँ पर आई कि अगर उनसे बतजे बशरीत कोई गुना सरजद हो जाए तो वह अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं ना सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं बल्कि अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार भी होते हैं अल्लाह का ज़िक्र भी करते हैं ज़िक्र करने की बरकत से चूँकि जिक्र नेकी है इसकी ने वजह इस से उनका वो गुनाह धुलता है और फिर अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगते हैं तो यहाँ मुआफ़ी का तरीका भी बताया गया कि सिर्फ़ अस्त पढ़ने से मुआफ़ी नहीं होगी बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू लाने के साथ अल्लाह का जिक्र भी करेंगे और फिर तोफा भी ऐसी होनी चाहिए कि आगे को नसीहत बने ये नहीं है कि अगले गुना की उम्मीद के ऊपर तोबा कर लीजिए कि अभी तोबा कर ले तो फिर मैं गुना करूंगा ऐसा नहीं या फिर जुनूब अल्लाह अल्लाह और कौन बख्शेगा अल्लाह के सिवा गुनाहों को है अल्लाह की तरफ रुझुलाना है जैसे आप इसकी मिसाल दुनियावी एतबार से देख सकते हैं कि छोटे बच्चे को जब माँ मारती है ना तो वो भाग्य माँ की गोद में ही पना ले रहा होता है ये बहुत छोटे बच्चे ये जो जो बड़े हो जाते हैं तो बहुत शरारती हो जाते हैं ना वो तो फ़ौरन दादी दादा के पास चले जाते हैं जब उनको उनकी माँ मारती है तो दादी दादा के पास जाते हैं लेकिन जो बहुत छोटा बच्चा है ना आप देखें उसको मारे भी ना तो वो फिर गोद में ही घुसता है माँ की तो अल्लाह तौल मारे कि अल्लाह के, अल्ला के सिवा फिर बख्शेगा भी कौन बख्शना भी तो अल्लाह ही ने है और अल्लाह की नाफरमानी की है तो आपने अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी की है ना अल्लाह के मामले में कोताही की है ना और वो अपने किए हुए जुर्म के ऊपर इसरार नहीं करते यानी अपने गुना की जस्टिफिकेशन नहीं देते यही आदम में और शैतान में फ़र्क है आप देखें आदम ने अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांग ली थी रबा ना वलम ना अलफुस ना विल तकफी ना व तरह सरीन और शैतान ने क्या कहा था कि मैं इसे अफजल हूँ तो उन्हें इसे जो है वो मट्टी से पैदा किया है मुझे आग से और उसने अपनी गलती की जस्टिफिकेशन दी थी जबकि आदम सलाम ने अपनी गलती की जस्टिफिकेशन की बजाय माफी मांग ली तो आदमी वो होगा जिसकी नस्बत आदम के साथ होगी और जो शैतान की रविश इख्तियार करेगा कि अपने गुना पर जस्टिफिकेशन देगा वह फिर शैतान के साथ अपनी निस्बत को जोड़ रहा होगा वह आदम का बच्चा नहीं होगा वह शैतान का बच्चा होगा वहम या लमून। और वो जानते हैं इस हाल में कि वो जानते हैं इस बात को कि अल्लाह ही ने माफ़ करना है वो गुनाह करने के बाद उसके ऊपर इसरार नहीं करते उला का जजा उहुम मगफ़िरत उम रब ये वो नेक बख्त लोग हैं जिन के लिए मगफ़िरत है उनके रब की जानब से व जन्नात उन तजरीम इन तहतीहल अनहार और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी ख़ालदीन अफीहा वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश व नमा अजराम और क्या ही अच्छा बदला है अमल करने वालों का यानी अमल किए बगैर को बदला नहीं मिलना ज़ुबानी कलामी नारे मारने से कुछ नहीं होना आप देख लें कि मस्जिद में नमाज़ फजर की नमाज के लिए एक सप भी पूरी नहीं होती और मस्जिद के बाहर नारे मारने के लिए सैकड़ों लोगों का मजमा लगा होता है रसूल में मौत भी कबूल है नमाज कबूल नहीं है आप ये जलसे जुलूस भी देख लें चाहे वो रबी अव्वल के जुलूस हों चाहे मुहर्रम के जुलूस हों आप देखें जुलूसों में कितना रश होता है और वो जुलूस जब जोर की नमाज के वक्त कहीं पर ख़त्म हो रहे होते हैं तो आप होना तो चाहिए कि आज तो मस्जिद भरी हुई हो जुम्मे से भी ज़्यादा रश हो मस्जिद में उतने ही लोग होते हैं तो इसका मतलब वो काम ज़रा, है, काम है। तो मतलब वो काम ज़रा आसान है ये काम मुश्किल है कद खलत मिन कबली कुम सुन इससे पहले भी कौमों का जो ूज और जवाल है इसके अतबार से अल्लाह का एक तरीक़ार रहा है फिल अर्थ तो चलो ज़मीन में फ़न धरू और देखो कई फ़कान आक़ीबतलमकदबीन अल्लाह ताला ने हक झुटलाने वालों का क्या अंजाम किया ज़ाहिर है कि ये अरब के लोग चूँकि तजारती सफर पर जब शाम जाया करते थे तो रास्ते में उन खंडरत को देखा करते थे अभी भी वो अरब के कई खंडरत असार कदीमा के तौर पर कौम आद और समूद की जो तबाही के मनाजिर हैं वो अभी भी मौजूद हैं उनके बड़े हुए बड़े बड़े घर महल्ल जो पहाड़ तराश के वो बनाते थे तो अल्लाह तरफ मारा कि ज़रा ये कौमों की दबाई का मंजर जो है ना तजारत करते हुए रास्ते में देखा करो कि तुमसे पहले जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की जो ताकत में तुमसे ज़्यादा थे अल्लाह ने उनको तबाह वर्बाद कर दिया तो तुम क्या अपने आप को समझते हो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है हादा बयानास बयान है लोगों के लिए वह हुद व ममऊ एजुलमुत और हदायत है और वाज व नसीहत है उन लोगों के लिए जो वाकई डर जाए कि उन्हें उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जिस रब ने पैदा किया है अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो वो फिर छोड़ेगा नहीं यानी ये यह कुरान के बारे में आ रहे हैं कि कुरान वो बयान है जो सारी इंसानियत के लिए है यहाँ पर मुसलमानों के लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए हादा बयानास पूरी इंसानियत के लिए ये कुरान जो है वो बयान है वह हुदऊँ वो और हदायत है वह मऊतुल और वाज नसीहत है उन लोगों के लिए जो वाकई डर कि हमें मरने के बाद अपने रब के हजूर पेश होना है वला ये बड़ी अहम आयत आ रही है आज के एतबार से भी बहुत अहम है सूर्य इमरान की थर्टी नाइन वाहिन वाला और ना हिम्मत हारो और ना गम खाओ व इनकुन तुम सौद इनकुन तुम मुकमिन तुम ही सर बुलंद रहोगे तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम वाकई मोमिन हुए वैसे तवील खास के अतबार से तो ये मुसलमान जो ताज़ा ताज़ा जख्म खा चुके थे उनको तसली दी गई है कोई नहीं आंदा तुम्हारी फतूहत पक्की है लेकिन तुमने अल्लाह के ताब फरमान बन के रहना है और क्या है कि हिम्मत दिखानी है और गम नहीं खाना और तुम ही गालिब हो गए अगर तुम्हारा ईमान सच्चा हुआ बस इसको आप उलट कर लें हिम्मत नहीं दिखाओगे और बस गम ही खाते रहोगे कि क्या हो रहा है जी यहूदियों की साजिश हो रही है मुसलमान खिलाफ तो और क्या यूदी साजिश ना करने, के करने तो करे यानी आके गले च आर पावट साजिश ही कर दी यही काम है ना तो और सच्चे मोमिन भी नहीं है तो फिर जरीलुखार ही हो गए कभी कामयाब नहीं हो गए तीन बातें जिक्र हुई ना हिम्मत नहीं हारनी हिम्मत जारी रखनी है गम नहीं खाना अल्लाह पे तवक्ल करते हुए आगे चलना है और ईमान अपना सलामत रखना है तो अल्लाह तला तुम्हें गलबा देगा और इसके उलट क्या होगा ईमान में कमजोरी आई और तुमने खुद भी हिम्मत दिखाई और बस गाम ही बैठ के खाते रहे और प्रैक्टिकली कोई काम ना किया तो फिर तबाह बर्बाद भी हो जाओगे जो आज नजर आ रहा है सही मुस्लिम में हदीस है हजरत उमर कहते हैं कि मैंने नबी नबीसलाम को खुद मेबर पर यह बात फरमाते हुए सुनी थी कि अल्लाह ताला इस किताब की वजह से कौमों को अरूज देगा और इस किताब की वजह से कौमों को जरील कर देगा इसी को डॉक्टर इकबाल ने सही मुस्लिम की हदीस को शेर की शक्ल में कहा है न जवाब शिकवा में वह ज़माने में मुआजस थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक्र आ होकर यानी सहाबा को एल बैत को अल्लाह ने जो शानें दी थी कि पूरी दुनिया उन्होंने तलपट कर दी किस वजह से कुरान को पकड़ने की वजह से और तुम कुरान को छोड़ कर ख़्वार हो गए और यही बात गदीर ख़ुम की हदीस में भी है सही मुस्लिम में उसमें क़ुरान वाले बैत का जिक्र आया लेकिन कुरान का जिस शान से जिक्र आया कि क़ुरान अल्लाह की किताब है इसमें हदायत है इसमें नूर है ये अल्लाह की रस्सी है तुम इसे पकड़ो अपना ताल्लुक़ इसके साथ मजबूत करो जो अल्लाह की इस रस्सी कुरान को पकड़ेगा वो हदायत पर होगा जो छोड़ देगा वह गुमराह हो जाएगा और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहल बैत हैं मैं अपने बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ तो मुसलमानों ने ना कुरान को पकड़ा और ना बैत को जिंदा छोड़ा बिल्कुल उलट चले अह बैत के साथ उसने सलूक का हुक्म था उनके साथ बदसलूक की कुरान को पकड़ने का हुक्म था गुमराई से बचने के लिए इसको अल्लाह की रस्सी के तौर पर वाता सिम बिहब लाही जमी अम वा तफर रकू जो इसी सुर आल इमरान की आयत नंबर वन जीरो थ्री गुजर चुकी है बिल्कुल इसके उलट चले तो अब अल्लाह तला देखें अल्लाह फरमा रहे हैं कि भाई फिर तो यही कुछ तुम्हारे साथ होना है अगर तुमने मोमिन बन के रहना पक्के फिर अल्लाह की गायबी मदद होगी ई यम ससुम कर अगर आज तुम्हें चोट मिली है फकत मसल कौ करो तो तुम्हारी जो मुखालिफ पार्टी है ये भी तो इस तरह की चोट खा चुके हैं भदर में आज अगर तुम्हें ओहद के अंदर तकलीफ पहुंची है तो भदर के अंदर उनके साथ भी यही कुछ हुआ था आज अगर मदीने के कोई घर नहीं बचा जिसमें कोई मैयत ना हो तो उस वक्त मक्के का कोई घर नहीं बचा था जिसके अंदर कोई मैयत ना हो वह तिलकल ना ये तो दिन है जो हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं कभी किसी का पलड़ा ऊंचा कभी किसी का पलड़ा ऊंचा सर ये बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कुरान में जो बयान हुआ है यहां पर भी आप देख ले कोई पॉलिटिकल लीडर है कोई डिक्टेटर है वो समझता है कि पता नहीं मैं दुनिया में मुझसे पहले तो कभी कोई इस तरह के इंसान आया नहीं है लेकिन दिन कैसे फिरते हैं आपने तो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में किस तरह उरूज जवाल देखे हैं किधर एक हमारा एक डिक्टेटर था किस तरह वो मुक्के लहराता था और आज वो किस तरह मुफलसी की ज़िंदगी हॉस्पिटल में गुजार है और कहता था मैं कमांडो हूं मैं ये हूं वो हूं आज अदालतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है आप पुरानी चीजें तकबर से भरी हुई वो तकरीरें देखें और अब वो शकल देखें शक्ल भी बिगड़ गई हुई है ठीक है जी हाथ कांप रहे हैं जिसम काँप रहा है इंसान में ताकत हमेशा तो रहती नहीं है तो इंसान क्या है अल्लाह तरफ मारा है ये याम हम लोगों में बदलते रहते हैं वालिया आमनू ताकि अल्लाह तला जाँचे कौन है पक्के ईमान वाले वकीद मिन कुम और अल्लाह तुम में से शहीद चुन ले जो अल्लाह के लिए गवाह बनकर खड़े हो या अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए अपनी जान दे दें वल्लाहु ला हिब्ब वालमीन और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं रखता वली सदीन आमनु और इस तरह की जो आजमाइशें होती हैं जंगों की अल्लाह ताला इसके ज़रिए निखार देगा अहले ईमान को व यम हकल और अल्लाह ताल मिटा देगा काफरों को तो यानी अब वो गजब अहद के अंदर जो कुछ नुकसान पहुँचा तो अल्लाह ताली पहले इस एतबार से तसली दे रहा है कि इस तरह के नुकसान तुम्हारे मुहालफी को भी हुए हैं ये आजमाइश है अब ये नहीं कि बिल्कुल ही हिम्मत हार के इस एतबार से बैठ जाओ अब अगली आयत चूँकि बहुत अहम है बहुत क्रिटिकल आयत है लिहाजा मैं इन शह उसको अगले दर्स के अंदर डिस्कस करूँगा अब हमारे दर्ज का वक्त चूंकि ख़त्म हो चुका है अल्लाह तला से दुआए जो हक बात मैंने कही अल्लाह तारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों ही से उसे माफ़ कर दे हमें सुन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी कता फ़रमाए الجزاء